Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your boy Arshad Saeed and you're watching Arshad Vlogs. जैसे कि आपको मुझे हम दोनों को पता है क्वारंटाइन पे घर बैठ बैठ के दोनों का काम खत्म ही हो चुका है. वेट. आई थिंक आई शुड वेयर अ मास्क. आ गया मेरा मास्क. मेक श्योर यू क्लीन अप योर सेल्फ और सब कुछ साफ रखना है क्योंकि आपको तो पता है क्या हो सकता है हमारे साथ. लेट मी ओपन अप माई मास्क फॉर अ वाइल क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करना है. सो ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली होजाय के ऊपर है. होजाय में क्या क्या करने को है, कितने क्या क्या जगह है और बेसिकली बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई गेट इज भैया आप कहाँ से हो, भैया आप आसाम से हो क्या, भैया आप होजाय से हो क्या, भैया मैंने आपको कहीं पे देखा है, भैया मैंने आपको ये किया है, ब्ला 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 लॉट ऑफ क्वेश्चन. सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए मैं अपने होम टाउन के बारे में थोड़ा कुछ शेयर कर दूँ, आप सबको बता दूँ मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे होम टाउन में क्या क्या है क्या क्या नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट क्योंकि आपको तो पता है एवी के साथ जो भी होता है आपके साथ ज़रूर शेयर करता है. सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरे होम टाउन दिखाने का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. ये जो मंदिर आपको फ्रेम्स पे दिख रहा है अभी, इस मंदिर का नाम है बरोवारी दुर्गा मंदिर विच इज लोकेटेड एट होजाय न्यू मार्केट. तो ये मंदिर जो है ये 2015 को इस्टेब्लिश हुआ था और पूरे होजाय से लोग आते हैं वर्शिप करने. और ये मंदिर अपने आप में ही एक सीनरिक ब्यूटी है जैसे कि आप देख सकते हैं. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बड़ा मस्जिद के पास विच इज़ लोकेटेड एट मस्जिद रोड. ये जो मस्जिद है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1925 को और ये अपने आप में ही एक मिसाल है जो इतना पुराना मस्जिद हमारे पास होजाय में है जैसे कि आप देख सकते हैं. तो मंदिर और मस्जिद के बाद सीधा आ जाते हैं हम लोग चर्च पे जो होजाय में एक लौता है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1971 को हुआ था. ये चर्च लोकेटेड है डॉन बॉस्को हाई स्कूल होजाय के कैंपस के अंदर जैसे आप लोग देख सकते हो. सो जैसे आपने ये तीनों रिलीजियस प्लेसेस होजाय के देखा और बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे दिखाने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही आप धीरे धीरे मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो. सो चलिए अगले डेस्टिनेशन पे चलते हैं. लेट्स गो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कूल्स इन होजाय. सो मेरा जो बचपन है ये डॉन बॉस्को में बीता है एंड स्टडिंग इन डॉन बॉस्को वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड इन माई लाइफ. एंड डॉन बॉस्को इज अमॉन्ग वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल इन होजाय जो 1971 को एस्टैब्लिश हुआ था. सो यस, स्टडिंग इन डॉन बॉस्को वाज रियल फन. अब हम लोग आ जाते हैं एनआरआई पब्लिक स्कूल में जो पूरे होजाय डिस्ट्रिक्ट में एकलौता है क्योंकि ये CBSE स्कूल है. और एनआरआई पब्लिक स्कूल का फाउंडेशन 2014 को ले किया गया था और इस स्कूल से काफ़ी उम्मीदें हैं अपने लोकेलिटी के लोगों को. तो अभी हम लोग आ जाते हैं मरकज एकेडमी रेसिडेंशियल इंग्लिश हाई स्कूल पे. ये बॉयज स्कूल है, ये भी बहुत ही पुराना स्कूल है होजाय का. ये लोकेटेड है नियर डिमरू ब्रिज. ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में. इनके बाद आ जाता है हमारे ब्यूटीफुल होजाय मेन रोड पे जो आपको दिख रहा है. ये मेन रोड बहुत ही लंबा है और जो जाके डायरेक्टली नील बगान में कनेक्ट होता है और नील बगान से NH-27 में कनेक्ट होता है. एंड हाउ कैन somebody मिस होजाय स्टेशन विच इज ब्यूटिफुली बिल्ट विथ थाउजेंड्स ऑफ ट्रेन अराइविंग एवरी वीक. और कितना देखोगे यार, मेरा होम टाउन है, आपका थोड़ी है. अगर आपका भी होम टाउन है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बता दो कि आप कहाँ से हो और थोड़ा सा प्यार दिखा दो भाई को. और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पता है यार, सीधी सी बात है,
क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, सेल्फ क्वारंटाइन पे है हम सब लोग, और मेरे चैनल पे एक भी Q&A नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं Q&A करूँ। आप लोग मुझसे सवाल पूछोगे और मैं आप सबका आंसर दूँ। सो ये मेरा नीचे इंस्टाग्राम आईडी का नाम लिखा रहेगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक रहेगा। इंस्टाग्राम पे जाके मेरे पोस्ट पे जाके कमेंट करना आपका क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन होता है आपके आईडी के साथ मैं बताऊँगा यहाँ पे, और पूरा जो भी आंसर होता है मैं वो आंसर देने का ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा, और जो भी होता है आप लोग को पता चलेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, जो भी होता है आप लोग को ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि आपको तो पता है एवी के साथ जो भी होता है आपको ज़रूर पता चल जाता है। तो लेट्स गो, लेट्स गो। अभी हम लोग आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में, जो 7 सितंबर 2017 को हुआ, विच वॉज अर्लियर नोन एज होजाई कॉलेज, जो 11 जुलाई 1964 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इस कॉलेज का कैंपस काफ़ी बड़ा है और इस कॉलेज का खूबसूरती बहुत ही लाजवाब है। ये यूनिवर्सिटी पूरा होजाई में, पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक ही है, और इस कॉलेज से काफ़ी क्वालिटी स्टूडेंट्स निकल के आते हैं। और अभी हम लोग आ जाते हैं शंकरदेव जूनियर कॉलेज, जो 1999 को इस्टेब्लिश हुआ था, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है और ये होजाई के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड कॉलेज में से एक है। अभी हम लोग आ जाते हैं मरियम अजमल वुमेंस कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो जुगीजान रोड में लोकेटेड है और जो 1994 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये कॉलेज अपने आप में ही लड़कियों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और इसके बिल्कुल राइट साइड पे है नाजिर अजमल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो 2014 को इस्टेब्लिश हुआ था। इस कॉलेज का काम यही है कि ये टीचर्स को एजुकेट करता है, टीचर्स को ट्रेन करता है और बीएड डिग्रीज प्रोवाइड करता है। तो गाइस, होजाई में और काफ़ी बहुत सारे जगह है जो मैंने आपको नहीं दिखाया, या फिर मैं बोल सकता हूँ दिखा नहीं पाया क्योंकि टाइम का बहुत ही कमी था। काफ़ी सारे चीज़ जो मैंने आपको दिखाया शायद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, और काफ़ी सारे चीज़ें जो मैं आपको दिखा नहीं पाया जो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। सो काफ़ी लोग मुझे डिमांड कर रहे थे कि जो बाहर रहते होजाई से है, होजाई के ओरिजिन है, और जो बाहर रहते ये लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ रहे थे कि भाई आप होजाई के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ, क्योंकि वो लोग अपने होम टाउन को बहुत ही मिस करते हैं और आ नहीं पाते। तो उनके लिए वो ये बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा कि वो बाहर से बैठ के अपना होम टाउन को देख पा रहे, एंजॉय कर पा रहे। सो लेट्स सी क्या होता है। और Q&A वीडियो के लिए आप लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर जाना। और तहे दिल से शुक्रिया उन लोगों को जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया वीडियोस बनाने में, 0 से 10,000 तक के जर्नी तक हमेशा मेरे साथ रहे। सो ज़्यादा बड़बड़ ना करते हुए चलिए अगले जगह में चलते हैं, लेट्स गो। और ये जो आपको दिख रहा है ये है विशाल मेगा मार्ट, ये होजाई का एक लोता मॉल है जो हाल ही में खुला है और काफ़ी फेमस है। तो विशाल के बाद हम लोग सीधा उड़ चलते हैं शम्स फिटनेस एंड स्पा में, जो होजाई का वन ऑफ द बेस्ट जिम है विथ स्पा फैसिलिटी।
और हवाओं के साथ चलते चलते हम आ पहुंचे गुड टाइम्स रिजॉर्ट में। सीरियसली ये होजाई के हिस्ट्री में फर्स्ट रिजॉर्ट है और लेजर टाइम पास करने के लिए बेस्ट जगह है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रहा हाम हॉस्पिटल। कोई भी रूरल डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा हॉस्पिटल पूरे एशिया में शायद ही कहीं मिलेगा आपको। ये हॉस्पिटल 16 सितंबर 1995 को खुद मादर टेरेसा होजाई आके इसको इनॉग्रेट किए थे। एंड स्पेशल थैंक्स टू सिद्धार्थ भाई जिन्होंने इस वीडियो को कंप्लीट करने में मुझे बहुत हेल्प किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई का चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग भाई का चैनल भी चेक कर सकते हो और भाई को बहुत सारा प्यार जता सकते हो। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो, मेरा होम टाउन। तो कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा टाउन? काफ़ी सारे मेमोरीज है यहाँ पे, काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करूँगा आने वाले वीडियो में। और आप लोग अगर कहीं बाहर से हो, देख रहे हो इस वीडियो को, तो ज़रूर प्लान करना यहाँ पे आने का, क्योंकि ये बहुत ही सही जगह है। पूरा सराउंडेड बाई नेचर है और काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। अगर आप लोग आते हो, भाई को कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, भाई आपको लेके ज़रूर घूमेगा और आपको पूरा एक्सप्लोर कराएगा हो जाए। सो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ ये वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अर्शद ब्लॉग्स साइनिंग ऑफ। गुड बाय।